हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और बहुत दिन का ड्रीम था जो आज जाके हम कंप्लीट करने वाले हैं। खारदुंगला टॉप, ये जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। वहाँ इसके आगे कोई हाइट में मोटरेबल रोड है ही नहीं है। तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे, हमारा बहुत साल का सपना कंप्लीट करेंगे। और गाइस, अभी टाइम है 6:30। तो अभी हमने पूरा बैग पैक सब कर लिया है और इंडियन फ्लैग भी लगाया है, तो हम आज रॉक करेंगे, रॉक। तो चलो गाइस, अभी निकलते, पेट्रोल भरते, फिर बाद में वहाँ से निकल जाते। यहाँ से कुछ अराउंड 40 किलोमीटर्स है, 47 किलोमीटर्स, तो जाते। चलो हेलो गाइस। गाइस, अभी टाइम है 7 बज गए हैं प्रॉपर, और हम प्रॉपर निकल गए, पेट्रोल वेट्रोल सब भर के रेडी है फुल। हमको पेट्रोल भरने के लिए सिटी से बाहर आना पड़ा, अभी वापस सिटी में एंटर कर रहे हैं और सिटी से सीधा उधर से निकल जाएंगे। तो ये एक मिनट गाइस, गाइस यही है लेह सिटी का मेन मोनिस्टेरी, मतलब इधर से एंटर होते हैं हम लेह सिटी के अंदर, यही मॉनिस्टेरी है। गलत गलत फिर गलत, ये मैप भी ना मस्त घुमा रहे हमको, इसका काम इसने चालू कर दिया लगता है अभी से। खारदुंगला, कारदुंगला कैसे जाना है? टॉप कारदुंगला टॉप यहाँ से, ठीक है, अच्छा हो गया, यहाँ से मालूम पड़ गया। तो कारदुंगला टॉप है 39 किलोमीटर्स। तो चलो गाइस, अच्छा ये भी रोड वहाँ वहाँ पर ही मिलता है, बट क्या ये थोड़ा वन वे है और गली जैसा है, गली गली में से लेके जा रहा है हमें। चलो बाद में बात करते। हेलो गाइस, गाइस अभी हम पहाड़ पर पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ से पूरा हमारा सॉरी लेह का पूरा व्यू दिखता है, लेह सिटी का, ये देखो। और पूरा वो माउंटेन्स तो देखो ना कैसा लग रहा है, एकदम वाव। और गाइस यहाँ के माउंटेन्स ही ज़रा डिफरेंस है यार, एकदम डिफरेंट है, देखो बाप रे। वाह, सद्दम। हाँ सर, वो आपका लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है, ड्राइविंग आरसी बुक भी है, ये कैश लेना, रुपए। ये लाइसेंस है? हाँ जी, सद्दम आरोग्य मन्यर आरसी, एक मिनट। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगा सर? ठीक है, यहाँ पर ही जो पे करना है वही है। ओके,
हाँ सर, हेलो गाइस गाइस, वो जो बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे, कुछ हम सक्सेस करने जाते हैं उसके पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स करना पड़ता है, बहुत सारे मुसीबत आते हैं। उसमें से एक मुसीबत अभी आई थी, क्या बोले कि यहाँ एक चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आप लेह की गाड़ी नहीं या आपके लेह का आउट ऑफ जो भी गाड़ी रहेगा तो उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा 1000 रुपीज़। अगर आप अंदर के गाड़ी हो तो 100 रुपीज़ है, और बाहर का गाड़ी रहेगा तो 1000 रुपीज़। तो गाइज ये कौन सी इस पे से मेरे को राइट लग रहा है सब पता नहीं। लेह लद्दाख भी हमारे इंडिया में आता है, तो फिर हमारी जो इंडिया में कोई भी किधर की भी गाड़ी हो उसका एंट्री क्यों नहीं, उसको क्यों 1000 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है फाइन, एज अ फाइन। हम 1000 रुपये के ना 2 से 3 दिन में 2-3 दिन का खाना है हमारा इस राइड का। ओ 21 सेकेंड में चला गया, चलेगा, मेरा ड्रीम सक्सेस हो रहा है ना, चलेगा। मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात पे, 21 सेकेंड में 1000 रुपया चला गया मेरे हाथ से, और यही 1000 रुपये में पेट्रोल डालता 400-500 किलोमीटर इजीली कवर कर लेता। मुझे ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी होगा कि 1000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। लाइफ में मेरी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फाइन मैंने भरा है, 1000 रुपया। ठीक है, चलेगा, देख लेंगे। अपने को क्या है, अपने को टॉप पे जाना है। हमारा जो ड्रीम है वहाँ जाके हमारा वो ड्रीम है कंप्लीट करना है, चलता है। ठीक है गाइस, आगे बात करता हूँ आगे जाके। हेलो गाइस, गाइस अभी टाइम है 7:50 और हम साउथ पुलू एंटर कर रहे हैं, और खारदुंगला यहाँ से अराउंड कुछ 17 और 18 किलोमीटर्स है। तो देखते यहाँ पर क्या क्या पूछ रहे हैं या एंट्री जो भी है वो भी शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या पता कितना पैसा लेने वाले, ये पूरा पैसा वहाँ पर ही, आधा से 1000 रुपीज़ तक तो वहाँ पर ही पैसे ले ले। अभी यहाँ पर भी देखेंगे कितना लेते क्या लेते। चलो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। देखो टोटली बहुत ठंडे गाइस इस हाँ के बार। ओहो माय वॉलेट, नाम सद्दाम सर। हाँ सर, MH 47 AZ 0260 9769499223। सर मुझे एक ये पूछना था सर, ये
ये पर्ची किस किसके लिए काटते हैं सर इधर? क्वेश्चन पता ही नहीं। 1000 रुपीज लिए हैं मेरे से। अरे हाँ वो उधर वहाँ पर एंट्री पर। हाँ नहीं डांस लगभग बोलते हैं बाहर का गाड़ी है इसके लिए एंट्री नहीं है, उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ एज अ फाइन भरना पड़ेगा। हाँ तो मुझे पता नहीं हाँ एक सर कुछ पूछे इधर ही है ना सर। फिर वो पता नहीं सर वो बाइकर ले गए पता ओके सर। नहीं। हाँ सर वही गाइस मुझे जो लग रहा था वही हो गए। वो बंदे ने हमें स्कैम कर दिया है, हमें नहीं मुझे। यही मेन चेक पोस्ट था तो भी वहाँ पर हमसे चेक पोस्ट के नाम पर पैसा लिया है 1000 रुपीज़। शिट यार सुबह सुबह क्या कर सकते अभी। हाँ क्या कर भी कह सकते। ऑफिसर जो है यहाँ पर वो खुद बोल रहे पता नहीं क्यों लिया तुमसे पैसा 1000 रुपीज़। गाइस बी वेयर, ऐसे ऐसे आदमी लोग भी यहाँ पर है। चलो होता है लाइफ में ये सब, भूल के आगे जाना ही हमारे लिए ठीक है, आगे बढ़ना है हमारे लिए। तो गाइस हम साउथ पुलु से निकल गए हैं खारदुंगला टॉप के लिए। जय हिंद सर। तो गाइस खारदुंगला यहाँ से 14 किलोमीटर है। गाइस ठंडी एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम। मेरे को ब्रीथिंग इशू भी हो रहा है, मैंने टैबलेट लिया हूँ पता नहीं तो भी क्या होएगा। और मैं बहुत जल्दी सुबह निकला हूँ, 7:55 हुआ है अभी टाइम। ठीक है तो गाइस अच्छे रोड खराब, अच्छे रोड ख़त्म हो गए, अभी हमें ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है। गाइस ठंड तो इतना इतना एक्सट्रीम है ना, बाप रे, मेरा मेरे मेरा हाथ है ना लिटरली फ्रीज हो गए। क्या पता अभी आगे क्या होने वाला है। गाइस बाप रे आई थिंक अच्छा रोड आने वाला है। लद्दाख आकर ऑफ रोडिंग नहीं किया तो फिर मतलब क्या है कि नहीं। चलो अच्छा रोड आया है। मुझे ब्रेक क्लच लीवर ऑपरेट करने नहीं जम रहा है, इतना फिंगर पूरा पेन हो रहा है लिटरली। फाइनली गाइस हम हमारा ड्रीम पूरा कर चुके हैं। और हम गाइस हम अभी फिलहाल अभी हम खारदुंगला टॉप पर हैं और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है गाइस। फाइनली सर हाय गाइस, हमने फाइनली हमारा ड्रीम कंप्लीट किया है। और गाइस हम हैं अभी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड खारदुंगला। और इसी के लिए हम
इतना स्ट्रगल किए हैं और फाइनली हमने सक्सेस कर दिया है गाइस। अभी यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, छोटा छोटा सा हो रहा है, बट लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। गाइस हमारी बाइक वहाँ पर है, हमने बहुत सारे फोटो भी खींचा है। खारदुंगला फाइनली। आइस देखने तो गाइस एक जगह पर है, यहाँ पर अभी बहुत कम आइस है, तो भी हम हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स लोग ने बोला है कि तू आइस देखे बिना मुंबई में पैर नहीं रखने का, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं किधर ना किधर से भले पुराना आइस हो तो थोड़ा तो आइस आइस रहेगा ही, तो वो आपके लिए मैं दिखाऊंगा। चलो गाइस स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो मैं गिर गया हूँ। तो गाइस फाइनली तुम्हारा विश पूरा करने जा रहा हूँ, भले पूरा आइस ना हो तो भी थोड़ा सा आइस है। टेक इट दिस आ, ये लो, आइस चाहिए, लो। जरा पुराना आइस है बट तो भी गाइस बहुत ठंडे पर मजा आ रहा है। थोड़ा सा आइस है बट किसको नहीं मिल रहा, बट हमने स्ट्रगल करके यहाँ पर आ गए। तो गाइस फाइनली हमारा ड्रीम हमने कंप्लीट किए हैं बस, तो अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर नुब्रा वैली। तो फाइनली बहुत खुश हूँ गाइस, प्राउडली से आई एम अ बाइकर। बहुत मज़ा आ गया गाइस। वो देखो ग्लेशियर, हमने उधर तक तो नहीं गए बट हमारे फ्रेंड्स हमारे फैमिली के लिए उनका विश था कि मैं स्नो में जाऊँ, तो उतना नहीं मैं देख पाया बट जितना भी देख पाया मैंने किया। हाय गाइस, गाइस अभी मुझे ये रोड्स को देख के ना हमारे सरचू से पैंग तक का जो ऑफ रोडिंग का सफ़र था एकदम एक्सट्रीम वाला वैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी मैं लिटरली 10 किलोमीटर हो गया अभी जो मैं जिधर से मैं ब्रेक लिया हूँ उधर से टोटली ऑफ रोड है एक्सट्रीम, वो भी एक्सट्रीम ऑफ रोड एक्सट्रीम, बट बहुत मज़ा आ रहा है। ये लो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया, अच्छा हो गया अभी इतने देर बाद थोड़ा एक अच्छा रोड दिखा है। बाप रे, चलो गाइस अभी हम खारदुंग
इस गांव में एंट्री कर चुके हैं। और ये गांव देखो ना ज़रा कितना प्यारा है। देखो चारों तरफ माउंटेन्स और बीच में एक छोटा सा विलेज, प्यारा सा विलेज है। देखो ना कितना वाव। गाइस ये सब बहुत कम देखने मिलते हैं। ये देखो हम डेजर्ट स्ट्रोम में गाड़ी चला रहे, बाप रे। ये देखो ना पूरा वेव्स। ओहो गाइस, अभी हम हैं नुब्रा वैली में और यहाँ पर बहुत एकदम एक्सट्रीमली डेजर्ट स्ट्रोम हो रहा है और हमारा गाड़ी और हम मचा रहे। वो जो डेजर्ट स्ट्रोम ये सब हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी गाइस अभी हम नुब्रा वैली में हैं। नुब्रा वैली अभी डिस्कित में है। तो गाइस यहाँ पर जो है क्या मैत्रेय बौद्ध 106 फीट ही इज़ अ होलीनेस दलाई लामा रेसिडेंस है और एक है 600 ईयर ओल्ड डिस्कित मॉनिस्टेरी। मतलब ये जो है यहाँ पर है। तो चलो तो गाइज ये देखो डिस्कित के जो एंट्रेंस जो है ऐसा है बेसिकली। तो गाइज अभी हमने टिकट निकाला है ये मॉनेस्ट्री सब देखने के लिए। तो इसका टिकट का जो प्राइस है 30 रुपीज़ है और अच्छा है यार, अच्छा लग रहा है इधर। वेलकम टू मैत्रेय बुद्ध 106 फीट, 106 फीट की मूर्ति है। हाय गाइस, गाइस यही है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अभी नूब पेंगोंग लेक को भी इसमें ऐड करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम पार्ट वाइज डालेंगे। अभी ये जो वीडियो है ये हमारा लेह से नुब्रा वैली कंप्लीट करने तक का जो वीडियो है और इसके आगे नुब्रा वैली से हमारा पेंगोंग लेक तक का वीडियो होगा। तो गाइज सॉरी क्या करेगा, भी बहुत कंटेंट था और अच्छे अच्छे प्लेसेस थे तो इसके लिए हमें वैसा करना पड़ रहा है और जो जो इंसिडेंट हुआ है वो भी ऐड करना पड़ा है। इसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो गाइज ये पार्ट वन रहेगा और इसके आगे का जो नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक तक का जो है वो पार्ट टू रहेगा। तो गाइज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो, जो भी गलत है वो मुझे कमेंट में शेयर करो तो मैं उसको रख के ठीक करूँगा। और क्या बोलूँ, बस इतना ही है अभी फिलहाल।